ईमान की लज्जत, मैंने हदीस कई बार कही है, आज दोबारा वह हदीस तुम्हारे सामने पढ़ रहा हूं, बुखारी में भी है और मुस्लिम के अंदर भी हदीस मौजूद है। अनस रजी अल्लाह अन रावी हदीस हैं, अनिल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के रसूल ने कहा, सलासुन मन कुन्ना फीहि वजद बिहिन हलावतल ईमान, तीन चीजें जिसके अंदर रहेंगी उसे ईमान की लज्जत मिलेगी, ईमान की मिठास मिलेगी। आप में से 90% लोग वो तीन चीजों से वाकिफ हैं, अल्लाह से दुआ कीजिए अल्लाह वो तीनों चीजें मुझे और आपको अता फरमाए। पहली चीज, अय्यकून अल्लाह व रसूलुहु अहब्बु इलैहि मिम्मा सिवाहुमा, अल्लाह उसके रसूल सबसे ज्यादा पूरी दुनिया में सबसे बढ़कर उस इंसान के पास महबूब रहे, यानी अल्लाह से बढ़कर, अल्लाह के रसूल से बढ़कर वह किसी को नहीं चाहता हो, अल्लाह से बढ़कर, अल्लाह के रसूल से बढ़कर वह किसी को नहीं चाहता हो। यह चीज अगर आ गई हमें ईमान का मजा मिलेगा इंशाअल्लाह ताला। दूसरी चीज, वा युहिब्बुल मरअ ला युहिब्बुहु इल्ला लिल्लाह, किसी भी इंसान से दोस्ती हो, किसी दूसरे इंसान से मोहब्बत हो, मुझे आपसे मोहब्बत है, आपको मुझसे मोहब्बत है, एक आदमी को दूसरे आदमी से मोहब्बत है, मोहब्बत के कई असबाब हो सकते हैं। भाई भाई से मोहब्बत करता है, कभी कभी गलत भी करता है, कभी कभी गलती में भी, भाई की गलती है मगर सपोर्ट भाई की ही करेगा, वो सपोर्ट भाई की ही करेगा मोहब्बत में। मां की गलती खासतौर से, कौन मां की गलती है, हमारे पास एक मसला है, मां के मौजू पर अगर तकरीर हो जाए और तकरीर मुतासिर कर जाए आपको, जाके बीवी पे जुल्म शुरू कर देंगे, हजरत ने इतना कुछ मां के बारे में कहा है, बीवी के बारे में कुछ बोल दें, हुकूक क्या हैं बीवी के, अब मां का हक मार देंगे। हमें तवाजुन करना नहीं आता, बैलेंस अंग्रेजी जबान में बोलते ना, बैलेंस करना नहीं आता। किसी की मोहब्बत में किसी का हक मत मारो, मां को मां का हक दो, बीवी को बीवी का हक दो, इनकी मोहब्बत में इनका नहीं, मां की मोहब्बत में। एक लड़का रहमानी में आया, मस्जिद रहमानी, बीवी को तलाक देना चाहता है, पूरी जमात बैठी हुई है, जी हां, एक साहब समझा रहे हैं उसको क्यों छोड़ रहा है, उसकी जबान पर एक ही लफ्ज है, मेरी मां ने कहा छोड़ो, मैंने छोड़ दिया। ठीक है, अगर तुम्हारी मां सहाबिया की तरह है, वो ईमान वो जज्बा वो अखलाक वो अकीदा हैं, आप करो। वो किसी दुश्मनी में अगर बोल रही है, उसे नहीं हो रहा है, वो जुल्म कर रही है, जुल्म में साथ मत दो, समझाओ आप यहां जुल्म कर रहे हैं, यहां सही नहीं है। ये है मोहब्बत, सुभान अल्लाह। किसी से भी जो मोहब्बत होती है, मोहब्बत अल्लाह के लिए हो, आप मुझसे मोहब्बत करें अल्लाह के लिए, मैं आपसे मोहब्बत करूं अल्लाह के लिए, ये दूसरी चीज। अगर ये आ गई जिंदगी में, हमें ईमान का मजा मिलेगा इंशाल्लाह। तीसरी चीज, सुभान अल्लाह, अल्लाह मुझे अता फरमाए, अल्लाह आप भाइयों को अता फरमाए, एक मरतबा हिदायत मिलने के बाद, सीधा रास्ता मिलने के बाद, तौहीद पर आने के बाद, तौहीद पर आने के बाद शिर्क से कुफर से ऐसी बेजारी होनी चाहिए जैसा जिंदा आदमी को आग में डाल दिया जाए। अल्लाह ताला ये